प्लास्टिक की वजह से बीमार हो रहा है इंसान। साल भर में आप 2 प्लास्टिक की थैली निगल रहे हैं। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज के दौर में प्लास्टिक के बिना जीना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अब प्लास्टिक के साथ मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक अब बच्चे को जन्म के साथ ही नपुंसक होने के खतरे की ओर ले जा रहा है। ब्रिटेन की पोर्टसमाउथ यूनिवर्सिटी ने खाने में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने के लिए 2 तरह के खाने की चीजें इकट्ठा की। एक वो जो प्लास्टिक पैकिंग में रैप होकर आई और दूसरी जो बिना प्लास्टिक के पैक थी। प्लास्टिक वाली पैकिंग वाले सामान में 2,30,000 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल थे, वहीं दूसरी पैकेजिंग वाले खाने में 50,000 पार्टिकल्स थे। रिसर्चर्स के मुताबिक हर इंसान दिन भर में 10 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक निगल रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्च के मुताबिक प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर किए गए खाने को इस्तेमाल करने से गर्भवती महिलाओं को भी खतरा है। ये खतरा उन पुरुष बच्चों को भी ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक के कण प्रजनन क्षमता खराब करने के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। दरअसल प्लास्टिक के बेहद बारीक कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। ग्लोबल लेवल पर हर हफ्ते औसतन 0.1 से लेकर 5 ग्राम माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग तरीकों से मानव के शरीर में जा सकता है। औसतन एक इंसान हर साल 11,845 से 1,93,200 माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स निगल लेता है, यानी 7 ग्राम से 287 ग्राम तक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में प्लास्टिक किस हद तक मौजूद है। फूड स्टोरेज या लिक्विड स्टोर करने के प्लास्टिक कंटेनर, ये सब आमतौर पर पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। इस प्लास्टिक को लचीला बनाने के लिए उसमें बिस्फेनॉल ए डाला जाता है, जो कि एक इंडस्ट्रियल केमिकल है। दिल्ली के ICMR और हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के रिसर्चर्स ने पाया कि गर्भावस्था के दौरान BPA केमिकल पुरुष संतान के फर्टिलिटी सिस्टम पर बुरा असर डालता है। ये रिसर्च चूहों पर की गई है। इसके लिए प्रेग्नेंट चूहों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को प्रेगनेंसी के दौरान 4 से 21 दिन के लिए BPA केमिकल के संपर्क में रखा गया और दूसरे ग्रुप को इससे अलग रखा गया। BPA के नजदीक रहने वाले चूहों में फैटी एसिड जमने लगे। स्पर्म की ग्रोथ के लिए जरूरी मेम्ब्रेन के आसपास इस फैटी एसिड के नुकसान होता पाया। इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। BPA केमिकल हार्मोन्स को प्रभावित करता है और कैंसर और इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। लेकिन अब जन्म से पहले ही प्लास्टिक के बीमार कर देने वाले खतरे भी सामने आ रहे हैं। लंच प्लास्टिक में बंद, पानी प्लास्टिक में बंद, दूध प्लास्टिक में बंद, यहाँ तक कि बाजार का हर सामान प्लास्टिक में बंद होता है। बाजार से राशन आया तो प्लास्टिक पैकेजिंग में, और घर में सामान स्टोर हुआ तो वो भी प्लास्टिक में। NIN के रिसर्च के मुताबिक सभी लोगों को, खासतौर पर प्रेग्नेंट महिलाओं को, प्लास्टिक कंटेनर के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंटेनर में देर तक स्टोरेज करने से, खासतौर पर गर्म तापमान में या माइक्रोवेव के समय, प्लास्टिक से BPA केमिकल के खाने में घुलने का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल किचन में 2 तरह का प्लास्टिक मौजूद रहता है, 1-time use जैसे पानी की डिस्पोजेबल बॉटल्स या पैकेजिंग वाला प्लास्टिक, और दूसरा वो प्लास्टिक कंटेनर जिन पर फूड ग्रेड या BPA फ्री लिखा रहता है। कंपनियां दावा करती हैं कि BPA की फूड ग्रेड प्लास्टिक नुकसान नहीं करता, लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। प्लास्टिक के कचरे में मिल जाने से उसे रिसाइकिल करना मुश्किल हो जाता है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा होता है, जबकि हमारी प्लास्टिक को रिसाइकिलिंग करने की क्षमता इसकी आधी ही है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक ऐसी 21 सिंगल यूज आइटम्स पर सरकार ने बैन लगाया था जिन्हें रिसाइकिल करना मुश्किल है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।